हेलो एवरीवन, मैं आभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम टू बैक माय चैनल फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको सामने कुछ बल्ब दिखाई दे रहे होंगे और ये मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये रेनुकुलस का बल्ब है, ये देखिए, और ये विंटर लविंग यानी बल्ब होते हैं फ्रेंड्स। और इसकी जो सुंदरता है मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी। ये रोज़ से भी बहुत ही ब्यूटीफुल इसके फ्लावर होते हैं फ्रेंड्स। और तो आज इसी का बल्ब मैं लगाने जा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा ये ऐसा बल्ब है। दिखने से तो बिल्कुल बिल्कुल आपको ख़राब दिखेगा, लेकिन ये ऐसा बल्ब होता है, इसे बल्ब के द्वारा लगाया जाता है। और ये देखिए ऐसा लंबा लंबा रहता है ये। तो आज इसी के बल्ब मैं लगाने वाली हूँ विंटर के। तो बल्ब लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये बल्ब लगाने के लिए हम इसे, जो ये बल्ब दिख रहा है ना, इसको हम रात भर या 9 से 10 घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं। ये देखिए, और मैं भिगो के भी रखी थी फ्रेंड्स रात की, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, भिगो के रखने से ऐसे ये जो बल्ब है ना 10 से 12 घंटे में फूल जाते हैं। और मैंने इसे रात भर भिगो के रखा था, और अभी मॉर्निंग में उठ के मैं इसे 1 घंटा फंगीसाइड पानी में भी डुबाई हुई थी। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये फंगीसाइड का पानी है। तो मैं, ये देखिए, ये सब बल्ब अच्छे तरीके से भीग चुके हैं और बिल्कुल ये शेप में बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई क्रैप का ये फुट है। तो चलिए फ्रेंड, आज इसी को हम ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स मैंने मीडिया लिया हुआ है। ये देखिए, ये मेरी सीडलिंग वाली मीडिया है, क्योंकि जो बल्ब होते हैं उसे 2-3 प्रकार से लगाया जाता है, तो मैं आज इसी टाइप से लगा रही हूँ। अब पहला टाइप मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, कि ये जो रेनिकुलस के जो बल्ब होते हैं उसे सीड के भी द्वारा लगाया जाता है। सीड के द्वारा में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लगता है, क्योंकि सीड में जो क्या होता है, एक ही ब्रांचेस निकलता है। लेकिन ये जो दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये बल्ब, इससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, जिससे जो हमारा प्लांट है वो काफ़ी बूशी हो जाता है और नंबर ऑफ ब्रांच भी उतने ही निकलते हैं। और चलिए फ्रेंड, इसको मैं आज लगा लेती हूँ। तो मैं आपको मीडिया में आपको बता रही हूँ, ये मेरी सीडलिंग की मीडिया है। तो इसमें मैंने 3:3 का रेशियो लिया है, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और सेंड की मात्रा, और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर। इसी मीडिया पे मैं अपने सारे सीड्स को लगाती हूँ। और ये जो रेनुकुलस के जो बल्ब है ना फ्रेंड, उसको लगाने के लिए थोड़ा सा सॉइल लेस मीडिया लगती है, इसलिए मैं इसे छोटे छोटे पॉट पे लगा रही हूँ। बाद में जब ये स्प्राउटेड हो जाएंगे तो मैं इसे बड़े पॉट में, यानी 6 से 8 इंच के पॉट में मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने पॉटिंग मिक्स पूरा भर के रखा हुआ था फ्रेंड्स, और इसमें थोड़ा सा मैंने फंगीसाइड पानी डाल दिया हुआ है पहले से, ताकि जो सॉइल है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो चलिए आज इसे ही हम लगाते हैं। तो ये बल्ब मैंने ले लिया है। हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो बल्ब है इसे हम बिल्कुल अंदर ऐसे प्रेस नहीं करना है, ऐसे ऊपर ही ऊपर हम ऐसे सारे बल्ब को अरेंज कर देंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले में लगाते हैं। ये थोड़ा बड़ा बल्ब है, तो इसे मैं ऐसे ही रख दूंगी। ये देखिए, काफ़ी हेल्दी सा बल्ब है फ्रेंड, और इसके जो फ्लावर होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं फ्रेंड। मैं आपको मेरे जो थंबनेल में और मेरे जो स्क्रीन पे लगा, मैं आपको दिखा दूंगी कि इसके फ्लावर कैसे होते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो मैंने ऐसे सारे अरेंज कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ऊपर से हम इसमें सॉइल कवर कर देंगे। ये देखिए, जो ये वही सॉइल है जो मैं सीड के लिए रेडी करी हुई थी। तो हमको बिल्कुल ज़्यादा ऐसे प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ऊपर ऊपर से ये सॉइल को हम ऐसे पैक कर देंगे, बस इतना ही जितना ये ढक सके। अब कुछ दिनों पे हाँ, रेनुकुलस का जो बल्ब है वो क्या होता है, इसमें जो स्प्राउटेड होती है वो लगभग 20 से 21 दिनों में होती है। तो हमको बिल्कुल डरना नहीं है कि हमारा बल्ब जो सड़ गया है, इसमें 20 से 21 दिनों पे स्प्राउटिंग चालू हो जाएगी। और इसमें बिल्कुल पानी का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और इसे थोड़ा सा हम अभी 2-3 दिन के लिए शेड यानी छाँव में, फुल छाँव में ही रखना है। मतलब छाँव में ऐसे नहीं कि आप अंधेरे में रख दो, इसे बिल्कुल छाँव में मतलब सनलाइट जहाँ पे शेड एरिया हो वहाँ पे रखना है। फिर इसमें थोड़ा सा स्प्राउटेड चालू हो जाएगा तो फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे के लिए शनी लोकेशन में रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी दे दूँगी और इसे मैं छाँव वाले एरिया में रख दूँगी फ्रेंड्स। तो ये मेरा जो था, आपको कैसे लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप भी अपने विंटर गार्डन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब सितंबर मिड हो गया है तो हम अपने सारे बल्ब ऐसे लगा सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे बल्ब और फ्लावर प्लांट होते हैं विंटर के, तो आप भी अब मेरी तरह ऐसी ऐड कर सकते हैं। तो इसका अपडेट फ्रेंड मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि कितने दिन बाद इसमें स्प्राउटिंग होती है। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। और मैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक मिल सके। तब तक के लिए बाय।